नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज की 6800 की न्यूज अपडेट में। लखनऊ लीगल टीम के वीरेंद्र और रंजीत की ओर से लखनऊ लीगल टीम में आप सभी के पैसे से 3 सीनियर एडवोकेट उतारने की जो फैसला किया है, जिसमें अमरेंद्र और आयोग टीम के मनोज प्रजापति, इसके अलावा प्रतीप बघेल और राहुल मौर्य को एडवोकेट पैनल को ब्रीफ करने के लिए आमंत्रित किया गया है। तो यहाँ पे लखनऊ की लीगल टीम जो भी पैसे यहाँ पर एकत्र किए गए हैं, अब उससे 3 सीनियर एडवोकेट के पैनल उतारने की पूरी तैयारी कर लिए, जिसकी ब्रीफिंग अभी ये आयोग की टीम की ओर से किया जाएगा, क्योंकि सभी टीमें अब एक साथ मिल करके ही आगे बढ़ेंगी। इससे पहले टीम की ओर से कोर्ट को लेकर के डीजी सर से मुलाकात हुआ था, गणेश सर से मुलाकात हुआ था। तो टीम यहाँ पर लगातार अपने संघर्ष को लेकर 6800 की नियुक्ति को लेकर के अपडेट देने के लिए एक ऑफिस से दूसरे ऑफिस तक चक्कर काट रही है। तो लगातार संघर्ष जारी है। कोर्ट की सीन पे सीनियर एडवोकेट को अब टीम अपने पैसे से किलो की पैनल उतारेगी। काफ़ी मुलाकातें भी हो चुका है। मुलाकात के क्रम में बेसिक शिक्षा परिषद सचिव श्री प्रताप सिंह बघेल जी से मुलाकात हुआ है। श्रीमती सुभाष सिंह जी से भी मुलाकात हुआ है। इन लोगों ने अपनी जो भी व्यथा थी उससे सुनाया। मैडम ने आश्वस्त किया है कि कई दौर की मीटिंग पहले भी विभाग की हो चुकी है, एक बार और मीटिंग हमारे आने के बाद हुई है। हम हर संभव रास्ता निकालने का प्रयास कर रहे हैं। अमरेंद्र और उनकी टीम हमारे से जब मुलाकात करने पहुंची थी, आयोग की टीम की ओर से इसके अलावा सभी सदस्यों को एक साथ एक मंच पर आकर के इन केसों को हैंडल करने के लिए आमंत्रित किया गया है, जिसमें सभी लोग अपनी राय भी सहमति भी जता रहे हैं। ये रंजीत यादव कैबिनेट मंत्री से मिलने पहुंचे थे। लगातार टीम की कई दिनों के कार्यक्रम को एक साथ अपडेट किया जा रहा है। यहाँ पर आज की ओर जो की टीम की ओर से जो जारी किया गया है उसको आपको पूरा बताएं। इससे पहले आपको बता दें कि आयोग की टीम भी अब इसी केस को हैंडल करेगी, क्योंकि सभी अलग अलग लड़ने की वजह से केस काफ़ी कमज़ोर चल रहा था। लेकिन अब 3 वकीलों को जो लखनऊ की लीगल टीम है वो अपने पैसे से हायरिंग करेंगे। वहीं 6800 की संघर्ष की बात करें, इससे पहले हाईकोर्ट के आदेश पर हुआ था MRC शिक्षकों का मनचाहे जिलों में तबादला। 2 महीने बाद 4000 शिक्षकों की होगी तैनाती। तो यहाँ पर 6800 चयनितों की सूची के अभ्यर्थियों ने नियुक्ति की मांग को लेकर के ज्ञापन सौंपा है। यहाँ पर सभी जो चयनित अभ्यर्थी हैं, लंबे समय से इंतजार के बाद भी अभी तक नियुक्ति न मिलने के कारण यहाँ पर फिर से ज्ञापन सौंपने पहुँचे हैं। टीम की ओर से लगातार ज्ञापन कार्यक्रम जारी है। ये आज के हिंदुस्तान की प्रमुखता से जो छापी गई खबर है, जिसमें 6800 की जो अभी तक नियुक्ति नहीं है उसको भी दर्शाया गया है। यहाँ पर 6800 चयनितों की सूची की नियुक्ति की मांग को लेकर के ज्ञापन कार्यक्रम में ये सभी चयनित शिक्षक ने अपने जारी अपडेट में कहा। साथियों, हम सभी जानते हैं कि ये डेट का लगना हम सबके लिए सुखद है, परंतु मात्र इसी में ही खुशी नहीं मिलनी चाहिए कि डेट लग गई। खुशी हमारी सबसे ज़्यादा तब होती है जब हम टॉप मोस्ट सीनियर वकील दोनों जगह उतार सकें और उनकी ब्रीफिंग दोनों टीमों के सदस्य मिलकर कराएं। कृपया करके दोनों टीमों के सदस्यों से विनम्र निवेदन है कि सब गीले शिकवे दरकिनार करके आपस में बैठकर सभी की ब्रीफिंग कराएं। एकता में ही शक्ति है, एकता के सामंजस्य से ही जीत मिलेगी। दोनों टीमों से प्रार्थना है सभी मिलकर आपस में वकीलों को बेहतर तरीके से ब्रीफिंग कराएं, लीगल टीम की ओर से कहा जा रहा है। इसके अलावा और कोई भी टीम का सदस्य एक दूसरे से मिलते समय पुरानी बातों की चर्चा बहस न करें, वे मात्र केस के बारे में सोचें कैसे सर्वोत्तम तरीके से योजनाबद्ध तरीके से आगे बढ़कर इस पर हम सभी की जीत की ओर अग्रसर हो। कोई किसी पर आरोप प्रत्यारोप न करें, सभी की इसी में भलाई है, क्योंकि सबका एकमात्र लक्ष्य है नौकरी। तो फिर क्यों बेवजह की बातें करके उन पर चर्चा करके कुछ फायदा नहीं है। समय बहुत कम है, इसको दोनों टीमों को ध्यान में रखकर आगे बढ़ना चाहिए। फिलहाल लखनऊ लीगल टीम ने आमंत्रित भी किया है और उसको एक्सेप्ट भी किया है आयोग की टीम ने। तो यहाँ पर केस को आगे बढ़ाया जाए और विजय प्राप्त की जाए, इसके लिए कोई भी साथी आपस में लड़े नहीं। आपस में लड़ने का काम यहाँ पर के साथ उन्हें निवेदन किया कि हाथ जोड़ करके निवेदन है कि क्योंकि बहुत सब परेशान है, मानसिक रूप से आर्थिक रूप से सभी परेशान हो चुके हैं, अब एकजुट रहें, बिखरे ना, सबकी विजय होगी। ये टीम की ओर से जारी अपडेट कहा गया है। सभी को एकत्र रहने के लिए ने कहा कि कल 8 सितंबर को मेरी बात अनीश मौर्य से हुई थी, जो बलिया के ऑर्डिनेटर है, वह मीटिंग में उपस्थित थे। उन्होंने मुझे बताया है कि 13 तारीख को 100% केस लगेगी, उस दिन सुनवाई होगी। संयुक्त लीगल टीम अमरेंद्र और विजय यादव को धन्यवाद। उम्मीद करता हूँ कि पूरा विश्वास है कि 13 तारीख को हम लोगों के लिए कुछ न कुछ अच्छा होगा। अमरेंद्र यादव जी ने भी लिखा है कि बस आयोग टीम की ओर से जो साथी हैं वो लखनऊ आ जाए। अब की बार आर्य पर केस की जो पूरी हैं 6800 चयन सूची से संबंधित लखनऊ तथा इलाहाबाद हाईकोर्ट में लंबित मामले में 13 सितंबर की सुनवाई में विभाग की तरफ से मजबूत पैरवी के संबंध में
यहाँ भी लिखा गया है, मोदी सामने निवेदन है इस प्रकार की 800 सोची का जो मामला हाईकोर्ट में लंबित है उसकी सुनवाई 13 सितंबर 2022 को लखनऊ तथा इलाहाबाद हाईकोर्ट दोनों जगह सुनिश्चित हुई है। अतः आपसे निवेदन है कि याचिका संख्या यहाँ पर 13/56/2020 लखनऊ बेंच में सरकारी अधिवक्ता से संवाद करके 13 सितंबर को हाईकोर्ट में मजबूत पैरवी करने की आदेशित करें। तो यहाँ पर सरकार को लिखा गया पत्र है जिसमें 13 तारीख को जो केस लगाया है उसकी मजबूत पैरवी के लिए। आज की अगर अपडेट देखें तो परीक्षा में नकल रोकने के लिए इंटरनेट सेवा बंद करने पर केंद्र से मांगा गया जवाब, सुप्रीम कोर्ट ने कहा क्या है मानक प्रोटोकॉल। वहीं जल्द ही खुलेंगे 91 प्राथमिक स्कूल, राज्य सरकार के प्रस्ताव पर केंद्र सरकार की मंजूरी के बाद निर्देश। वाराणसी में 2, सोनभद्र में 14, सीतापुर में 1, मिर्जापुर में 22, मऊ में 1, ललितपुर में 3, जौनपुर में 1, हापुड़ में 1, फतेहपुर में 1, देवरिया में 1, चित्रकूट 6, बदायूं में 3, बिजनौर में 1, बरेली में 1 और बहराइच में 33 प्राथमिक स्कूल खुलेंगे। और शिक्षक पुरस्कार पाने के लिए 4 स्तरों पर देना होगा साक्षात्कार। वहीं स्कूलों में लगेंगे शिक्षक के फोटो, नाम वाले बोर्ड, शिक्षक के स्थान पर किसी और को पढ़ाने की मिल रही थी शिकायतें। सभी विषय के अध्यापक को समान रूप से मिलेगा राज्य पुरस्कार। नाचार के 2, प्रधान अध्यापक के 2, भाषा शिक्षक 3, गणित 2, विज्ञान वर्ग के 3, मानकी वर्ग के शिक्षक के 3, कृषि वाणिज्य संगीत व व्यायाम के 3। तो माध्यमिक विद्यालय में पढ़ाने वाले सभी विषयों के अध्यापक को समान रूप से राज्य शिक्षक पुरस्कार मिलने का रास्ता साफ हो गया। मुख्यमंत्री अध्यापक पुरस्कार योजना की तरह राज्य अध्यापक पुरस्कार की संख्या दुगनी हो गई है। अब दोनों में 18 शिक्षक 5 सितंबर को सम्मानित होंगे, पुरस्कृत होंगे। माध्यमिक शिक्षा विभाग ने पुरस्कार देने की संशोधन नियमावली जारी कर दी है। कैबिनेट संशोधन प्रस्ताव पर पहले ही मोहर लग चुका था। तो अब 1 जून से दोनों पुरस्कार के लिए होंगे आवेदन नया और 5 सितंबर को मिलेंगे। मुख्यमंत्री ने कहा भ्रष्टाचार की जब तक करेंगे 7 पीढ़ी की कमाई। ऑनलाइन डिग्री होगी परंपरागत डिग्री के बराबर, UGC। ये थी आज की अपडेट न्यूज़। धन्यवाद, थैंक यू।